वैसे कोल्ड ड्रिंक्स हर मौसम में पी जाती है, और पी भी क्यों ना जाए, क्योंकि इसका स्वाद लाजवाब और ठंडा जो होता है, बच्चे से लेकर बूढ़े और जवान तक इसके दीवाने होते हैं, क्योंकि ये आपके प्यासे होठों की प्यास बुझा देती है, वो भी तुरंत, और आप तरोताजा महसूस करने लगते हैं। अगर आप भी इसके दीवाने हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिरकार ये कोल्ड ड्रिंक्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिरकार इसे फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं, इसका पूरे प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो जाने के लिए हमारी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में बेवरेज कंसंट्रेट को सबसे पहले बनाया जाता है। इसे बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला होता है जो किसी को नहीं पता होता है, ये कंपनी वाले छुपा कर रखते हैं क्योंकि ये इनका सीक्रेट होता है। इन कोल्ड ड्रिंक्स में 90% से भी ज्यादा पानी होता है, और इस बेवरेज को अब पानी के साथ में मिलाया जाएगा। और इसके लिए पानी को सबसे पहले फैक्ट्री में लाया जाता है, और पानी को फैक्ट्री में हीटिंग मशीन में हीट करके फिल्टर किया जाता है। और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पानी का स्वाद एक जैसा बनाया जा सके, और उसमें मौजूद डस्ट और दूसरी अनप्योरिटी को हटाया जा सके। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पानी, कंसंट्रेट और स्वीटनर को ले करके एक बड़े से बीकर में मिक्स कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक में आपको जो मीठा लगता है ना, वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। वैसे इसका इस्तेमाल कंपनियां अपने हिसाब से करती हैं। इन्हें तब तक मिक्स किया जाता है जब तक कि इसका स्वीटनर का लेवल 50% के बराबर ना हो जाए। और इस प्रोसेस के बाद इस मिक्सचर में फिर से पानी को मिलाया जाता है, और ये काम वर्कर्स की हेल्प से किया जाता है। और पानी को मिलाने के बाद इसे 5.5 गुना तक डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूशन की प्रोसेस के बाद इसमें CO2 को मिलाया जाता है। और आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करने के बाद आपको जो झाग दिखाई देता है, वो CO2 के कारण होता है। CO2 मिलाने के बाद अब ये मिक्सचर कार्बोनेटेड हो जाता है। वैसे अब हमारा कोल्ड ड्रिंक का मिक्सचर तैयार हो जाता है, लेकिन आप इसे पी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग की प्रोसेस बाकी है। और इसके लिए इस मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के फैक्ट्री में ही बनी लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जहां पर लैब टेक्नीशियन इसकी जांच करते हैं। और जांच की प्रोसेस में इसके कई टेस्ट किए जाते हैं, और सारे टेस्ट क्लियर होने के बाद इसे लैब टेक्नीशियन के द्वारा ओके किया जाता है। टेस्ट ओके हो जाने के बाद अब बारी आती है इसके पैकिंग प्रोसेस की। अब तैयार मिक्सचर को एक बड़े से स्टील के बीकर में भरते हैं जो पैकिंग मशीन से जुड़ा होता है। और आपको बता दें कि पैकिंग के लिए जो बोतल यूज की जाती है वो कांच और प्लास्टिक, इसके अलावा पेपर की भी हो सकती है। इन बॉटल्स को वर्कर्स की हेल्प से पैकिंग मशीन में सेट कर दिया जाता है, और फिर जो मिक्सचर बीकर में भरा होता है उसमें एक पतली पाइप होती है जो ऑटोमेटिक रोबोट आर्म से इन बोतलों को एक बराबर क्वांटिटी में फिल कर दी जाती है। और फिल करने के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस मशीन में एक एक बोतल को भरा जाता है, तो आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि एक साथ कई बोतल्स को भरा जाता है। कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बोतल आगे लेवल और कैप लगाने वाली मशीन के पास भेज दी जाती है। कैप लगाने वाली मशीन इन बोतलों पर आसानी से कैप को सेट कर देती है और प्रेशर के साथ उसे बंद कर देती है। इसके बाद इन बोतल्स को लेवल मशीन की तरफ बढ़ा दिया जाता है, और लेवल मशीन इन बोतल्स पर आसानी से लेवल को स्टिक कर देती है। रोबोटिक आर्म ग्लू को पेस्ट करती जाती है। लेवलिंग की प्रोसेस के बाद अगली मशीन इन बोतल को एक बॉक्स में पन्नी से लैमिनेट करके रख देती है, और वर्कर्स इन बॉक्स को टेप से सील करके बंद कर देते हैं। अब आपकी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देखिए एकदम हो जाती है तैयार, और फैक्ट्री से इसे ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से मार्केट में भेज दिया जाता है। आखिर में बता दें कि आप मार्केट से लेकर तुरंत इन्हें नहीं पी सकते हैं, भाई इसके लिए आपको ठंडा करना पड़ेगा। और ठंडा करने के लिए कई बार दुकान वाले बोलते हैं, भैया 5 रुपए या फिर 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। खैर, इस तरह ठंडा करने के लिए चार्ज लेने पर आपका क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। खैर दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक बनाने का प्रोसेस तो आप जान गए। वैसे आपकी कौन सी कोल्ड ड्रिंक फेवरेट है, और इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज पीना पसंद करते हैं, अगर आपको उसके बनाने का प्रोसेस नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए।